अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत करते समय कहा था कि वीआईपी कल्चर को खत्म करना है, आवास, गाड़ी, सुरक्षा आदि नहीं लेनी है। लेकिन सरकार बनते ही पुराने वादों की पोटली बनाकर उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर फ्री देने वाला नया वादा लाया ताकि लोगों को पुरानी बातें भुला देने के लिए आधार मिल सके। लेकिन जिस आरटीआई को हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर बैठे और अब पंजाब के सुपर सीएम बने हुए हैं, उसी आरटीआई से इनकी ईमानदारी की पोल खोली जा रही है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के मदारी बन गए। उन्हें गुजरात और हिमाचल प्रदेश ले गए ताकि लोगों को तमाशा दिखा सकें कि देखो हमने एक और सीएम पैदा कर दिया है। 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक भगवंत मान और केजरीवाल गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रचार करते रहे। अब पार्टी के लिए प्रचार करने में कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन जब इस प्रचार के लिए पार्टी के बदले राज्य सरकार को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़े तो बवाल होना लाजमी है। कुछ इसी तरह का बवाल पंजाब में हो रहा है। पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार के हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग पर सवाल उठाए थे। 15 दिनों में हेलीकॉप्टर के उपयोग की तुलना कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से की थी, लेकिन यही हेलीकॉप्टर अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है। एक आरटीआई की गई जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान के गुजरात और हिमाचल प्रदेश दौरे में हुए खर्च का हिसाब मांगा गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश के दौरे का हिसाब नहीं मिल पाया, लेकिन गुजरात दौरे का बिल जानकर सब हैरान रह गए। सीएम भगवंत मान ने गुजरात दौरे के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर लिया जिसका बिल 44,85,000 आया और ये बिल पंजाब सरकार को थमा दिया गया जिसका भुगतान करना पड़ गया है। ये तो केवल गुजरात दौरे के हेलीकॉप्टर का खर्च है। इसके अलावा पंजाब के सीएम के गुजरात में ठहरने और खाने पीने से लेकर दूसरी गतिविधियों तक के खर्च का हिसाब नहीं है। अब सवाल तो उठता ही है कि पार्टी के प्रचार के लिए जा रहे सीएम भगवंत मान को राज्य सरकार के खजाने से हेलीकॉप्टर भाड़े पर लेने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर पार्टी ने उन्हें बुलाया है तो इसका खर्च भी आम आदमी पार्टी को उठाना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चालाकी से मान का इस्तेमाल किया और पंजाब में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की बात करके केंद्र से पैसा मांगने वाले सबसे ईमानदार पार्टी के ईमानदार सीएम भगवंत मान की ऐसी किरकिरी हो रही है कि उनके पास इसका जवाब नहीं मिल रहा है। खैर, ऐसे भी अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग तो कुछ और है और किसी तरह भगवंत मान को बदनाम करके अपनी उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।